Assalamualaikum dear students of 4th grade, आज के सेक्शन में जो है हम एक्सरसाइज 3A को फर्दर करेंगे सॉल्व और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको जो है वो कहता है कि आप गिवन जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इसके जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो आप सेम करें और इन फ्रैक्शंस को आप रीराइट करें। तो लिखा गया रीराइट दिस क्वेश्चंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमें यह डिनोमिनेटर जो है वो क्या करना है, पेयर दिए हुए हैं आपको फ्रैक्शंस के, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। जैसे इसका जो है फर्स्ट पार्ट है हमें दिया हुआ है 1/2 एंड 1/4। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्या करेंगे इन दोनों डिनोमिनेटर्स को है वो सेम करेंगे। लेकिन देखिए 4 तो 2 के बराबर नहीं हो सकता, 2 जो है 4 के इक्वल हो सकता है कि अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको देखेंगे और यहाँ को साइड हम ऊपर नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब 2 × 1 होगा तो 2 हो जाएगा और जब 2 × 2 होगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 2/4 और 1/4 जो है आप देखें दोनों में दोनों जगह जो है वो डिनोमिनेटर सेम है और ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। तो हमें ऐसे ही करना है, हमें जो है वो गिवन जो पेयर ऑफ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं हमें क्या करना है, लाइक करना है। हमें लाइक तभी कर पाएंगे अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो यहाँ पर उसने वही कहा कि डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। इस तरह फ्रेंड्स आपने ये पार्ट करने हैं। चलिए मैं एक और करता हूँ, जैसे बी ऑप्शन है 3/5 and 7/15। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को जो है वो क्या करना है, सेम करना है। तो मैं आंसर सॉल्यूशन में क्या करूंगा, देखिए 3/5 लिखूंगा और साथ में इसी को लिखूंगा। अब देखिए 5 तो 15 तो 5 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 15 के इक्वल हो सकता है अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, ऊपर भी नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दूंगा, 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको कुछ नहीं करूंगा, इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 3 9 और 5 3 15। तो देखें मैंने इसको रीराइट कर लिया है और इस तरह से अब जो है डिनोमिनेटर आप क्या हो गए हैं, सेम हो गए। इस तरह से जो है वो आपने गिवन पेयर जो है वो उनको लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए मैं 2 पार्ट्स और करता हूँ, बाकी पार्ट्स में आपको होमवर्क भी फिर दूंगा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से चले, मैं और पार्ट करता हूँ, आई विल रिमूव इट एंड द नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, हम जो है क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट, मैं कोई दो कोई से दो जो है पिक कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कुछ बदलाऊंगा नहीं करूँ, छोटे भाई आप करने के लिए दूंगा। चलिए मैं इनमें से जो है वो डी पार्ट कर रहा हूँ 1/18 and 1/6। जी स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ही बात है, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। देखिए मैंने 1/18 लिखा है और 1/6 लिखा है। फ्रेंड्स 18 को 6 के इक्वल नहीं हो सकता, 6 को 18 के इक्वल किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाई 3। तो हम यहां पर क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे सेम एज इट इज, हम यहां न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो रहेगा 1/18 और ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 और 3 6 6 18। तो इस तरह से देखें अपने डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम होते जा रहे हैं और देखिए हमने इनको रीऐड कर लिया, यही वो हमसे कह रहे थे कि आप रीऐड करें और डिनोमिनेटर्स सेम करें। चलिए मैं एक और पार्ट जो है वो करता हूँ, चलिए मैं जो है यहाँ पर इसका जो है जी पार्ट करता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जी पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/4 and 2/5। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर दोनों डिफरेंट दिए हुए मेंबर्स, एक 1/4 है और जो है और एक है 2/5। तो ना ही 4/5 के इक्वल खेल सकता है ना ही 5/4 के इक्वल खेल सकता है। तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे हो रहा था क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनल डिनोमिनेटर को और हम यहाँ पर क्या करेंगे,
हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तरह से ये समझ लें ये 4 जो है यहां दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 वन जा 5 हो जाएगा और 4 5 हो जाएगा आपका 20। देखिए 20 हो गया, यहां 4 जा 2 8 हो जाएगा और 5 4 जा ये भी 20 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने रीऐड कर लिया है और आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते चले जा रहे हैं। तो सर एक्चुअल में ये जो मैंने काम किया है इसको हम कहते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने से एक्चुअली 20 आंसर आता है और 20 हमें बनाना होता है दोनों डिनोमिनेटर्स को। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे जो, और 5 जो है और 2 जो है हम दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर भी 20 हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर किया। तो चलिए मैं और करता हूँ नेक्स्ट एच पार्ट जो है मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं चलने कर रहा हूँ आपका एज पार्ट, इसमें है 3/4 एंड 5/6। जी फ्रेंड्स हमें ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है 3/4 और 5/6 में हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम करने हैं। फ्रेंड्स डिनोमिनेटर सेम तभी होंगे अगर हम किसी को इक्वल कर पाते। देखिए 4 को 6 के इक्वल नहीं किया जा सकता और ना ही 6 जो है 4 के इक्वल किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए अगर मैं 4 और 6 का एलसीएम निकाल लूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लूं इस तरह से डिवीजन मेथड से, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4 2 3 जार 6, फिर अगेन 2 पे करेंगे 2 1 जार 2 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे रहने देंगे और 3 देखिए मान तो हमने ऐसे ले आएंगे और 3 1 जार 3 हो जाएगा। तो जब ये आंसर आया हमें इतना जो है डिनोमिनेटर चाहिए होगा। देखिए 3 जार 2 6 6 जार 2 12, तो हमें दोनों जगह डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 12। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ। जैसे यहाँ पर जो है 3/4 एंड 5/6 है, सो एलसीएम यहाँ लिखते हैं हम एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज जी हाँ स्टूडेंट्स 12। तो फिर हम क्या करेंगे 3 को जो है 4 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 को 12 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 3 3 स्टूडेंट्स हो जाएगा 9, 4 जा 3 12 एंड 5 जा 2 10 एंड 6 जा 2 12। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गए फ्रैक्शंस और हमें इनको क्या कर दिया लाइव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइड हो गया। तो यही हम स्टूडेंट्स चाह रहे थे यहाँ पर। इस तरह से आपने जो है बाकी पार्ट्स भी करने हैं, प्रीवियस बाकी इतने छोड़े हैं। चले मैं होमवर्क करके यहाँ लिख रहा हूँ, सी पार्ट आपने करना है ये। इसको ही राइट करके लिखिए, आपने ई पार्ट करना है। और आपने जो है वो एफ पार्ट भी इसी तरह से कंप्लीट करें। यस फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है बाकी पार्ट्स को से कंप्लीट करेंगे और वीडियो को जल्दी अंदर थ्रू देखा करें और इस तरह से अपना होमवर्क भी जो है आप कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।